आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम और ग्रुप डी की भर्ती में गड़बड़ी मामले को लेकर चार छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरह छात्रों के आंदोलन के आगे भी केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। संगठन ने कहा कि 28 जनवरी को केंद्रीय कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र संघ ने रेल मंत्रालय से मांग की है कि छात्रों की जो भी मांग है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रों की समस्या का समाधान करें, नहीं तो छात्रों के हित में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। छात्र युवा संगठनों ने मिलकर बिहार बंद का आह्वान किया और इस बिहार बंद के आह्वान में विभिन्न छात्र युवा संगठन ने भी हम लोग को समर्थन दिया है। मूल सवाल हमारा वही है कि जो पिछले दिनों जो आप 2018 में छात्रों से वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं, 1.25 करोड़ छात्र नौजवान फॉर्म भरता है, लेकिन आज 4 साल के बाद आप एकाएक आप बिना टाइमिंग दिए आप नए कानून के साथ आते हैं कि अब एक एग्जाम नहीं बल्कि ग्रुप डी के लिए भी आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा और उन दोनों एग्जाम को देके तब आप की बहाली होगी और तब अन्य प्रक्रिया में आप जाएंगे। सरकार तरह तरह की साजिश, तरह तरह का तिक्रम किया, लेकिन उसके बावजूद किसान अड़े रहे, उसी तरह से ये छात्र आंदोलन की शुरुआत है। और छात्र आंदोलन की शुरुआत है तो इसमें निश्चित तौर पर छात्र आंदोलन को दबाने के लिए, छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए, छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश उनके द्वारा होगी और तरह तरह का जो FIR हो, आंसू गैस का गोला हो, चाहे गोली हो, चाहे लाठी हो, तरह तरह की कोशिशें सरकार के द्वारा और सरकार की पुलिसिया तंत्र के द्वारा होगी, लेकिन इससे छात्र दबने वाले नहीं है।